नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टुडे। यूपी बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक होने के मामले में पत्रकार को साजिशन फंसाने और 3 पत्रकारों को जेल भेजने पर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने नाराजगी जताई है। पट्टी में एक बैठक करके उप जिला अधिकारी पट्टी को अपनी मांगों के लिए ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि पट्टी तहसील के सामने भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ इकाई के तहसील अध्यक्ष अंकित पाठक की अगुवाई में बैठक की गई, जिसमें सभी लोगों ने 3 पत्रकारों को आरोपी बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। इस पूरे मामले को लेकर उप जिला अधिकारी पट्टी को ज्ञापन सौंपते समय मुख्य रूप से तहसील अध्यक्ष अंकित पाठक, महामंत्री आलोक कुमार पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिंदेश्वरी पाठक और बिंदु उपाध्यक्ष अंकित पांडे, मुख्य महासचिव अमित चौरसिया, सचिव अभिषेक शुक्ला, कोषाध्यक्ष हर्ष कौशल, मंत्री गोपीनाथ पांडे सहित दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे। आगे सुनिए तहसील अध्यक्ष अंकित पाठक ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा, आगे देखिए पूरी रिपोर्ट। आप पट्टी तहसील अध्यक्ष हैं और क्या मामला लेकर आप यहाँ आए हैं? आपको अवगत करा दें कि बलिया में अमर उजाला के पत्रकार थे और वो डीएम एसपी अपने बचाव के चक्कर में उन्हीं को आरोपी साबित करके जेल भेज दिया। इस संबंध में हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज एसडीएम पट्टी महोदय को एक 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, पत्रकारों पर फर्जी तरीके से जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं उसको वापस लिया जाए और अगर मुकदमों में संलिप्त पाया जा रहा है पत्रकार तो संबंधित क्षेत्राधिकारी एवं उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जांच कराकर तब उन पर मुकदमा लादा जाए। और जिस तरीके से बलिया में पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे ला के जेल भेजा गया है यह निंदनीय है और आज हम लोगों ने एसडीएम पट्टी को एक ज्ञापन सौंप कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल संबोधित ज्ञापन। कौन कौन लोग आपके साथ थे? हमारे साथ पट्टी के महामंत्री आलोक कुमार पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिंदेश्वरी पाठक, उपाध्यक्ष अंकित पांडे और मंत्री गोपीनाथ पांडे और कोषाध्यक्ष हर्ष कौशल सहित तमाम लोग मौजूद थे। धन्यवाद।